की जिनकी रोजी रोटी सब छिन गए हैं। देश के बड़े शहरों से प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं। इनकी वापसी के साथ ही अब ये चुनौती खड़ी हो गई है कि इन मजदूरों के कामकाज का क्या होगा। इसी चुनौती का समाधान निकालने के लिए यूपी सरकार ने अपनी एक मुहिम शुरू की है। सुनो सुनो सुनो, सभी ग्राम पंचायत बंतरा के वासियों को सूचित किया जाता है कि जो भी प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं और मनरेगा में कार्य करना चाहते हैं, वह सभी अपना रजिस्ट्रेशन ग्राम पंचायत कार्यालय पे करा लें। ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के तहत उनको काम दिया जाएगा और यदि वह किसी प्रकार की और जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई की योग्यता रखते हैं, वह भी अपना नाम नोट करावे, उनको भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये मुनादी यूपी की योगी सरकार करवा रही है। लखनऊ के बंथरा गांव में प्रवासी मजदूरों के लिए डुग्गी पीट कर बताया जा रहा है कि उन्हें उनके गांव में मनरेगा में काम मिल सकता है। सुनो सुनो सुनो, ग्राम पंचायत बंथरा के मजदूरों से कहा गया है कि वो क्वारंटीन पीरियड पूरा करके निकलें तो उन्हें खाली नहीं बैठना पड़ेगा, सरकार उनको उनकी काबिलियत के हिसाब से काम देगी। यूपी में कोरोना के मरीजों की संख्या करीब 5,700 है। इनमें से करीब 1,250 प्रवासी मजदूर हैं। यूपी में करीब 15 लाख प्रवासी मजदूर आ चुके हैं। यूपी के 75 जिलों में 26 लाख मजदूर मनरेगा से जुड़े हैं। क्वारंटीन पूरा कर चुके मजदूरों का मनरेगा का जॉब कार्ड बनाकर काम दिया गया है। प्रवासी मजदूरों में कई स्किल्ड लेबर हैं, कारपेंटर, बार्बर, इलेक्ट्रीशियन, टेलर, मैकेनिक और प्लम्बर का काम जानने वालों का डेटा बनाया जा रहा है। इसके अंदर कुछ 3,70,000 के आसपास स्किल्ड है, बाकी जो है वो अनस्किल्ड है। मतलब 3,70,000 में कारपेंटर्स हैं, बड़ई हैं, टेलर्स हैं, दर्ज जो ब्यूटी पार्लर चलाते थे, ये सब ऐसे करके हैं। तो ये जितने हैं इन लोग की जो मैपिंग करके हर डिपार्टमेंट को दे दिया, हर डिस्ट्रिक्ट में दे दिया है, लेकिन अभी वो क्वारंटाइन में है। जैसे ही क्वारंटाइन से निकलते हैं उन लोगों से पूछ भी लिया है, जिसकी जो रुचि है उसके आधार पे उन लोग को हम लोग काम देना शुरू करते हैं। एमएसएमई में भी है, जिनको लोन की आवश्यकता उसकी भी हम लोग ने पहले से तैयारी कर ली है। तेलंगाना से करीब 1500 किलोमीटर का सफर तय कर तैफूर जब लखनऊ के बख्शी का तालाब के गांव पहाड़पुर पहुंचे तो परेशान थे कि रोजी रोटी कैसे चलेगी, लेकिन गांव में मनरेगा का जॉब कार्ड बना और अब तालाब खोदने में लगे हुए हैं। तो मनरेगा का काम गांव में तेज हो रहा है। इस समय हम बख्शी के तालाब के पहाड़पुर गांव में आए हैं और यहां देखिए मनरेगा में ये तालाब खुदाई का काम चल रहा है और यहां बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर हैं। क्या नाम है आपका? तुफैल। कहां से आए तुफैल? हैदराबाद से। हैदराबाद में क्या करते थे? हाँ, सिलाई का काम। अच्छा, अब यहाँ मनरेगा में काम मिल गया। वहाँ कितना कमा लेते थे रोज? वहाँ रोज 300-400। अब यहाँ मनरेगा में 200। तो काम मिल गया है, ये वहाँ से आए तो कम से कम गांव में काम मिला है। हाँ, काम मिल गया है, वहाँ से आए यहाँ फिर बैठना नहीं पड़ा। घर का खर्चा चलेगा। आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं, क्या करते थे? मेरा नाम अनस है, मुंबई से आया हूँ, होटल लाइन में काम करता हूँ। तो यहाँ आए तो यहाँ मनरेगा का काम मिल गया तो थोड़ी राहत मिली कि चलिए खाने पीने का कुछ इंतजाम। जी हाँ, खाने पीने का इंतजाम दो। गांव के जिला पंचायत सदस्य कहते हैं कि जो मजदूर दूसरे राज्यों से वापस अपने गांव आए हैं उन्हें काम की कोई परेशानी नहीं होगी। क्वारंटीन के बाद इन्हें मनरेगा में काम मिलेगा। सरकार पहले मनरेगा मजदूरों को हर रोज 182 रुपए देती थी, अब 202 रुपए दे रही है।